नमस्कार दोस्तों, अगर आपका घर भी बद्दी ब्रोटी वाला या आपके घर में से कोई लोग बद्दी ब्रोटी वाला में जॉब करते हैं तो यह खबर उनके लिए है, जो कि एक डराने और घबराने वाली बात है। बद्दी ब्रोटी वाला के भूजल में कैंसर पैदा करने वाली जहरूली धातुएं, मंडी IIT के शोध में हुआ है खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बद्दी ब्रोटी वाला के पानी के नमूनों का सैंपल रासायनिक विश्लेषण करने के बाद टीम ने जो पाया वो एक डराने और घबराने वाली बात है कि यहाँ का पानी इतना दूषित हो चुका है कि जो कि बद्दी ब्रोटी वाला के पानी के नमूनों की जांच करने के बाद मंडी IIT की टीम और शोधकर्ता ने पाया कि यहाँ के पानी में उतने अधिक रासायनिक तत्व आ चुके हैं जो कि लोगों में कैंसर पैदा करने का कारण बन सकते हैं। इस खबर को अगर आप विस्तृत रूप से देखेंगे तो IIT मंडी और जम्मू के शोधकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी ब्रोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र के भूजल का सैंपल उठाया था और सैंपल में उन्होंने जब अपना रासायनिक विश्लेषण किया तो उस पानी के नमूनों की जाँच की गुणवत्ता में उन्होंने वह रासायनिक तत्व जो कि किसी भी इंसान को कैंसर पैदा करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इस खुलासे के बाद इस क्षेत्र के लोगों में अपनी स्वास्थ्य के प्रति चिंता का माहौल व्यक्त हो चुका है। पानी के नमूनों को सैंपल जांच करने के बाद उसमें सीसा, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में पाई है जो कि कैंसर बनने का कारण हो सकती है। इसका मुख्य कारण शहर का तेजी से बढ़ना, कारखानों का पानी का यूज करना और साथ में आबादी का बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। उस वजह से भूजल का और जो बोर का पानी होता है उसका प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जा रहा है और उस वजह से पानी की गुणवत्ता इतनी जल्दी खराब हो चुकी है कि वह पीने योग्य अभी तक नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो भी आपका दोस्त या परिवार वाला बद्दी ब्रोटी वाला एरिया में रहता है उसके साथ शेयर जरूर करें।